हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज हम एक जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो है निप्पल रिडक्शन सर्जरी के ऊपर। तो मैं एज अ प्लास्टिक सर्जन दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और बहुत कॉमनली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेल पेशेंट्स खासकर, जिनकी टी शर्ट से उनके जो निप्पल्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं और बहुत एम्बेरसिंग हो जाता है उनके लिए, बहुत अजीब लगता है उनको और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते उसकी वजह से। खासकर जब सर्दी गर्मी होती है, टेम्परेचर चेंज होता है या कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो निप्पल प्रोट्रूड करते हैं और वो आपकी टी शर्ट्स, टाइट टी शर्ट्स में से बाहर नजर आते हैं। तो यदि किसी के निप्पल नॉर्मल से ज्यादा एनलार्ज्ड हैं तो ऐसे केस में उसको रिड्यूस करने की सर्जरी होती है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम चेक करें कि हमें गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। गायनेकोमास्टिया यानी कि फीमेल टाइप ब्रेस्ट एक मेल में डेवलप हो जाते हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो निपल रिडक्शन के साथ आपको ग्लैंड भी रिमूव कराना पड़ता है। कई बार चेस्ट में फैट ज्यादा होने की वजह से लाइपोसेक्शन भी कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक प्लास्टिक सर्जन से मिलकर उनसे एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और आपको गाइड करेंगे कि आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं। और अगर किसी को केवल निपल एनलार्जमेंट है पफी निपल से, तो उनके केस में हम केवल निपल के साइज को छोटा कर सकते हैं। निपल के साइज को छोटा करने की जो सर्जरी है बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं एक साइड के निपल को रिड्यूस करने में, जिसमें कि हम निपल का जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर देते हैं और आप ही के निपल को यूज करके उसको एक छोटा साइज में बना देते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है और इसका कोई स्कारिंग एज सच नजर भी नहीं आती है। तो इन पेशेंट में जैसे आप देख सकते हो, इनके चेस्ट पे जो इनका साइज था वो काफी ज्यादा था, इनको बहुत एम्बेरस करता था, इनकी टी शर्ट्स में से बाहर नजर आता था, ये बहुत परेशान रहते थे। तो इनकी हमने जो सर्जरी करी है लोकल एनेस्थीसिया में, यानी केवल सुन करके, इसमें बेहोश करने की भी जरूरत नहीं है, सुन करके सर्जरी करते हैं जिसमें निपल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करने के बाद उसको स्टिच कर देते हैं और जो स्टिचेस हैं वो घुलने वाले होते हैं, वो अपने आप ही 10-15 डेज के अंदर घुल के हट जाते हैं। इसके लिए आपको बार बार विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। ये पेशेंट जैसे आउट ऑफ स्टेशन से आए थे, वो जिस दिन आए उसी दिन हमने हाथ के हाथ उनकी सर्जरी करी एंड आफ्टर 2 आवर्स वो वापस जा सकते हैं। इसमें एज सच फॉलोअप की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, बहुत सिंपल से तरीके से आप इस प्रॉब्लम से अपना छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट panacheaesthetics.com पे लॉगिन करके देख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599554211 पर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।